नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। कल नीतीश कुमार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर मुहर लग गई है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से नीतीश कुमार ही बिहार की जनता की सेवा करने वाले हैं। आपको बता दें, नीतीश कुमार सातवीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। कल वो सीएम के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। बिहार में नीतीश कुमार को एनडीए के नेता के रूप में चुन लिया गया है। इसकी आधिकारिक घोषणा राजनाथ सिंह ने कर दी है। कुछ मंत्री भी उनके साथ शपथ लेंगे। इसके साथ ही राजभवन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सरकार गठन की कवायद तेज हो गई थी, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर बैठक का दौर जारी था, जिसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे समेत अन्य मंत्रिमंडल के पदों पर नियुक्ति किए गए थे। छठ के मौके पर बिहार के लिए 62 ट्रेनों के परिचालन का हुआ ऐलान। त्योहारों के अवसर पर साथ ही कोरोना के माहौल के बीच रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी है। हर साल छठ पूजा और दिवाली पर बड़ी संख्या में लोग बिहार जाने वाली ट्रेनों में सवार होते हैं। भीड़ की संभावना और यात्रियों की डिमांड को देखते हुए रेलवे ने लगभग 62 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। दिवाली और छठ पूजा में घर आने और वापस जाने के लिए रेलवे ने बड़े पैमाने पर स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप नई दिल्ली, अजमेर, कोलकाता और रांची सहित कई शहरों से बिहार के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इनमें काफी सारी ट्रेनें पटना के लिए हैं, जबकि कई ट्रेनें ऐसी हैं जो पटना के रास्ते गुजरेंगी। वहीं कुछ ट्रेनों को छपरा, हाजीपुर और बरौनी के रास्ते भी चलाया जा रहा है, जिसकी पूरी सूची रेलवे ने जारी कर दी है। 2022 के 10वीं बोर्ड में छात्रों को मिलेगी सहूलियत। 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए अहम सूचना। सीबीएसई की 10वीं बोर्ड परीक्षा में स्किल कोर्स की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को फायदा देने की बात कही गई है। 10वीं के परीक्षार्थी अपने मुख्य तीन विषय गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में से किसी एक में फेल हो जाते हैं तो छठे विषय के तौर पर लिए गए स्किल सब्जेक्ट में पास करने का विकल्प होगा। फेल सब्जेक्ट के स्थान पर स्किल कोर्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा। बोर्ड की यह नई व्यवस्था 2020 की बोर्ड परीक्षा के जारी रिजल्ट से लागू हो गई थी। 2022 बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। इस व्यवस्था से फेल होने वाले परीक्षार्थी बच जाएंगे। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे जयप्रकाश निराला की। जयप्रकाश निराला का जन्म आज ही के दिन साल 1986 में बिहार के रोहतास जिले में हुआ था। कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला एसी गरुड़ कमांडो फोर्स के सदस्य थे। उन्हें मरणोपरांत जनवरी 2018 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च मयूरकालीन सैन्य अलंकरण है। वो जमीन लड़ाई के लिए पुरस्कार पाने वाले पहले एयरमैन बने थे और सुहास विश्वास और राकेश शर्मा के बाद इसे प्राप्त करने वाले केवल तीसरे व्यक्ति थे। हालांकि उन्होंने 18 नवंबर 2017 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। शुभ मुहूर्त में मनाई गई गोवर्धन पूजा। दिवाली के बाद आज कई जगहों पर गोवर्धन पूजा की धूम देखने को मिली। इसे देश के कुछ हिस्सों में अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन 56 या 108 तरह के पकवानों का श्री कृष्ण को भोग लगाने का शुभ माना जाता है। इन पकवानों को अन्नकूट कहते हैं। पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है। अन्नकूट को दिवाली के ठीक अगले दिन मनाते हैं। मान्यता यह है कि ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली में उठाकर हजारों जीव जंतु और इंसानी जिंदगियों को भगवान इंद्र के कोप से बचाया था। श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चित्रगुप्त और भैया दूज पर्व की शुभकामना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चित्रगुप्त पूजा और भैया दूज पूजा की प्रदेशवासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने कहा कि ज्ञान के अधिष्ठा देवता चित्रगुप्त भगवान की पूजा और आराधना से लोगों में पढ़ने लिखने की अभिरुचि बढ़ती है। लोगों में पढ़ने लिखने के प्रति बढ़ती अभिरुचि के फलस्वरूप बिहार में ज्ञान और शिक्षा का प्रकाश घर घर फैलेगा। आज का युग ज्ञान का युग है। सबके प्रयास से बिहार सुखी, संपन्न और समृद्ध बनेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, दिवाली के शुभ अवसर पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी प्रदेशवासियों को त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं दी थी। राजधानी पटना में गई जवान प्रेम कुमार की जान। जहानाबाद के नगर थाना के पूर्वी ऊंटा निवासी ITBP जवान प्रेम कुमार गुप्ता की संदेहास्पद स्थिति में बीते दिन उनकी जान चली गई है, जिनका शरीर पटना के मीठापुर बस स्टैंड से बरामद किया गया है। शरीर मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गौरतलब है कि दुनिया को अलविदा कहने वाले प्रेम कुमार गुप्ता इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स के बटालियन संख्या 48 में कार्यरत है। दीपावली पर्व को लेकर अपने घर चार दोस्तों के साथ जा रहे थे। कटिहार से पटना आने के लिए सभी दोस्तों ने एक निजी बस से आने का टिकट लिया था, लेकिन पटना पहुंचने के बाद जवान प्रेम कुमार गुप्ता की बस में ही जान
चली गई और उनके साथ में आ रहे बाकी के सभी दोस्त उन्हें बस में ही छोड़कर भाग गए। एनडीए की बैठक पर मनोज झा ने कसा तंज। बिहार सरकार के गठन को लेकर आज बैठक होने वाली है, जिसको लेकर बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है, जिस पर राजद नेता मनोज झा ने अपना बयान जारी कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि केवल 40 सीट हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री कोई कैसे बन सकता है। लोगों का मत उनके खिलाफ है, वो खत्म हो चुके हैं, उन्हें इसे लेकर सोचना चाहिए। बिहार अपना विकल्प चुन लेगा, इसमें एक हफ्ते, 10 दिन या फिर एक महीने भी लग सकते हैं, लेकिन ये होगा। आपको बता दें, भले ही एनडीए बिहार में बहुमत लाने में कामयाब हो गई हो, मगर जदयू के पक्ष में मात्र 40 सीट आई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर सवाल उठाए जा रहे थे। हालांकि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इस बात की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में हुई जमकर आतिशबाजी। वायु प्रदूषण को बढ़ता देख राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश के बाद पटना समेत बिहार के 3 जिलों में पटाखों के कारोबार और इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन इस पर अंकुश लगाने में नाकामयाब साबित हुई। एनजीटी के निर्देश पर देर से सक्रिय हुए पटना जिला प्रशासन ने शुक्रवार शाम को सभी थानाध्यक्षों को पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश जारी किया, लेकिन इससे पहले ही पटना में पटाखों की दुकानें सज चुकी थी और खूब बिक्री भी हुई थी। जिलाधिकारी कुमार रवि ने जनहित में आम नागरिकों से पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल नहीं करने की अपील करते हुए कहा था कि मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा और वायु की गुणवत्ता के लिए जरूरी है, मगर पुलिस की तरफ से आदेश का सख्ती से पालन नहीं कराए जाने के कारण शाम ढलते ही आतिशबाजी शुरू हो गई, जो रात तक जारी रही, जो कि गया और मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिली। राजद के खिलाफ जदयू ने जारी किया बयान। बिहार विधान परिषद के लिए पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए जदयू मुख्यालय में नीरज कुमार ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने उनकी प्रस्तावित धन्यवाद यात्रा का मकसद संपत्ति की हेराफेरी बताया है। उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए तेजस्वी यादव से सवाल पूछा कि किस बात के लिए तेजस्वी यादव धन्यवाद यात्रा पर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि हर चुनाव में राजद में संपत्ति और जमीन लिखवाने की परंपरा है, क्या तेजस्वी फिर से जमीन लिखवाने जा रहे हैं? दाखिल खारिज कराने की तैयारी है क्या? अगर ऐसा करने जा रहे हैं तो सचेत रहे। तेजस्वी यादव संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करते, ना ही वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानते हैं। चुनाव के समय दाखिल हलफनामे में दोनों भाइयों ने अपने 4 संपत्ति भी छुपाई थी। आस्था के महापर्व छठ मनाने पर राजधानी दिल्ली में लगी रोक। आस्था का महापर्व छठ मनाने के लिए दिल्ली की सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में ही रोक लगा दी है। दिल्ली में लाखों की संख्या में बिहार और यूपी के लोगों का रहना होता है, मगर छठ पूजा की रोक पर लोगों में गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। अखिल भारतीय महिला संघ ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर रोक हटाने की मांग की है। अखिल भारतीय मिथिलांचल संघ के महासचिव विद्यानंद ठाकुर ने साफ कहा है कि दिल्ली सरकार एवं उपराज्यपाल ने इस पर्व को मनाए जाने पर रोक लगा दी है। इस कारण दिल्ली में रहने वाले लाखों बिहारवासियों में आस्था का पर्व छठ मनाने को लेकर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कपिल शर्मा ने गोविंदा की जमकर तारीफ। इस हफ्ते कपिल शर्मा के शो में दिवाली मनाई जाएगी, जहां कपिल शर्मा और टीम की दिवाली में शामिल होने गोविंदा आने वाले हैं, जिसका एक वीडियो चैनल ने खुद हाल ही में शेयर किया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे गोविंदा कपिल शर्मा के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। जहां कपिल शर्मा ने कहा कि गोविंदा सर के आने से हमारे सेट की शान बढ़ जाती है, वैसे तो वह चमकता ही है लेकिन गोविंदा सर के आने से ज्यादा चमचमा उठता है। इस पर गोविंदा कहते हैं कि आज उसके दिल से मेरे लिए तारीफ निकली है। बीच में अर्चना पूजन सिंह कहती है कि हाँ, आप सही कह रहे हो। फिर गोविंदा कहते हैं कि शो पर जब लड़कियां आती है तभी इसके दिल से ऐसी तारीफ निकलती है। हर्षा भोगले ने चुनी आईपीएल 2020 की अपनी टीम। भारत के क्रिकेट एक्सपर्ट हर्षा भोगले ने भी आईपीएल 2020 की अपनी टीम चुन ली है और कई बड़े नामों को अपने टीम में शामिल किया। आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां सीजन खत्म हो चुका है, वहीं अब हर्षा भोगले ने अपनी टीम का ऐलान किया है, जिसके तहत उन्होंने अपनी टीम में सलामी बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल और शिखर धवन को रखा है। तीसरे नंबर पर विराट कोहली के ऊपर सूर्य कुमार यादव को तरजीह दी गई है, जबकि चौथे नंबर पर एबी डिविलियर्स को अपनी टीम में शामिल किया है। क्रिकेट एक्सपर्ट ने किरण पोलार्ड और हार्दिक पांड्या को पांचवें और छठे नंबर पर अपनी टीम में जगह दी है। हर्षा भोगले ने तेज गेंदबाज के रूप में जोफ्रा आर्चर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी को रखा है, जबकि राशिद खान और युजवेंद्र चहल उनकी टीम में दो स्पिनर मौजूद है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपके जिले में सबसे मशहूर व्यक्ति कौन है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।